पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सफर जब सेमीफाइनल से पहले ही लीग स्टेज में खत्म हो गया तो हर कोई आश्चर्यचकित था हर किसी को लग रहा था कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में जगह जरूर बनाएगी लेकिन पाकिस्तान ने सबको गलत साबित कर दिया जिस हिसाब से पाकिस्तान का प्रदर्शन रहा है उस हिसाब से बहुत ही ज्यादा खराब प्रदर्शन रहा है और बहुत ही लोग निराश हैं पाकिस्तान के प्रदर्शन से आपको बता दें कि पूरी मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है पूरा सेक्ट हो गया है मतलब हर किसी को अपने पद से हटाया गया आप देखिए तो बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के कप्तान थे उन्होंने भी कप्तान ने से स्टेप डाउन कर लिया है और हर फॉर्मेट में अलग अलग कप्तान बनाए गए हैं टी ट्वेंटी के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को बनाया गया है हमेशा से ही यह विवाद था कि शाहीन शाह अफरीदी को हम कप्तान बनाए या फिर बाबर आजम को कप्तानी सौंपी जाए लेकिन जब बाबर आजम ने खुद ही इस्तीफा दे दिया तो पीसीबी के लिए और भी ज्यादा रास्ता क्लियर हो गया आपको बता दें कि टी शा शा की कप्तानी शाहीन शाह अफरीदी को सौंपी गई है शाहीन शाह अफरीदी शाहिद अफरीदी जो कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर थे उनके दामाद हैं इसी वजह से शाहिद अफरीदी पर बहुत सवाल उठ रहे हैं उनसे एक सवाल पूछा गया था कि क्या आपने कभी सिफारिश करी है कि शाहीन को पाकिस्तान का कप्तान बनाया जाए तो इस इंटरेस्टिंग सवाल का बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा जवाब दिया है शाहिद अफरीदी ने चलिए सीडियम बताते हैं कि उन्होंने अपने जवाब में क्या कुछ कहा है मैंने शाहीन को कप्तान बनाने के लिए कभी किसी की पैरवी नहीं की मैं हमेशा यही चाहता था कि शाहीन हमेशा कप्तानी से दूर रहें और अपनी गेम पर फोकस करें हर कोई चाहता है कि उनके बच्चे मतलब और आगे बढ़े कप्तान बने लेकिन यहाँ पे शाहिद अफरीदी ने अपने दामाद शाहन शाह अफरीदी के लिए कुछ अलग ही बात बोल दी है उन्होंने बोला कि मैं कभी नहीं चाहता था कि शाहिन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया जाए वो हमेशा कप्तानी से दूर रहते और अपने गेम पर फोकस करते जनरली बहुत लोग का ऐसा मानना है कि कप्तानी का प्रेशर कुछ लोग झेल नहीं पाते आप अभी वर्ल्ड कप में दो तीन एग्जाम्पल देखिए जैसे बाबर आजम को भी यही कह के टारगेट किया जा रहा था कि बाबर आजम एज ए इंडिविजुअल प्लेयर बहुत अच्छे हैं लेकिन उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इस वजह से नहीं आ पा रही क्योंकि उनके ऊपर कप्तानी का प्रेशर है सेम गोज विद कुशल मंडिस कुशल मंडी जो कि श्रीलंका के क्रिकेटर हैं इससे पहले उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आ रही थी लेकिन जैसे दासुन शनाका इंजर्ड हुए और रूल्ड आउट हुए वर्ल्ड कप से वैसे ही कुशल मंडिस के कंधों पर कप्तानी सौंपी गई और फिर उनके बल्ले से हमें एक अर्धशतक भी देखने को नहीं मिला जब से उनके कंधों पर कप्तानी सौंपी गई तब से तो ये चीज़ दर्शाती है कि कप्तानी का प्रेशर भी खिलाड़ी के लिए कुछ होता है इसी चीज़ की चिंता करते हुए शाहिद अफरीदी ने बोला है कि मैं नहीं चाहता था कि कभी भी मतलब शाहिद अफरीदी कप्तान बने अगर कप्तानी नहीं करते तो वो अपने गेम पे फोकस करते लेकिन ये तो देखने वाली बात होगी आगे चलकर पीसीबी ने उन्हें सौंपा है कितने अच्छे से इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाते हैं या फिर उनका भी वही हाल होता है जो बाबर आजम का हुआ है कि उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं आई है शाहिंग शाफ्री की बात करें तो इलौते ऐसे पाकिस्तान के खिलाड़ी है जो हर मैच में मतलब कुछ ना कुछ अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी फाइव विकेट हॉल लेकर वो गए थे हर मैच में उन्होंने अपने पूरी कोशिश करी अपना हंड्रेड परसेंट दिया है बाकी खिलाड़ियों को आप देख लिया हारिस रोफ को देख लिया सौ सौ रन पिटवाते थे दस दस ग्यारह गारह की इकॉन में रहते थे वहीं शाह ने अपनी इकॉनमी भी भी मेंटेन रखी है और विकेट्स भी चटकाए हैं आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ फैन स्पोर्ट्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें